This project is very special because uh, from the very beginning of this project and the initiative we have started in 26 villages is very important because we are trying that uh, people should understand MDGs at their own level. When people uh, made the indicators and the goals and some difficult terms in MDGs, it is very difficult for the common people who are illiterate to understand what is maternal mortality rate. वॉट इज़ चाइल्ड मॉर्टिलिटी एंड इम्यूनाइजेशन एन सो मैनी हार्ड टर्म्स वॉट वी आर ट्राइंग थ्रू दिस प्रोजेक्ट दैट दे शूड हैव देयर ओन इंडिकेटर्स कि उनके इंडिकेटर्स क्या हैं वो किस मेजरमेंट इंडेक्स को मानते हैं कि उनके डेवलपमेंट का इंडेक्स हो सकता है यदि एक गाँव में बैठे हैं तो उनके पानी की समस्या प्रायरिटी है उनके वहाँ पर स्कूल की समस्या प्रायोरिटी है वो खुद प्रायरिटाइज़ करते हैं हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में देखा है कि वो जो कम्यूनिटी बिल्डिंग है प्लानिंग प्रोसेस जो है वो हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं गाँव वाले बैठते हैं दे मेक देयर ओन प्लान्स उस प्लान को वो कोशिश करते हैं कि अपने लेवल से उसको सुधारें कोशिश करते हैं कि यदि इरीगेशन की समस्या है तो उसको ठीक किया जाए यदि हम खेती कर सकते हैं तो उसको कैसे बढ़ावा देते हैं ये सारी चीज़ें उनके तरफ से आती हैं यानी एम डी जी को हम एड्रेस कर रहे हैं नॉट फ्राम द यूनाइटेड नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू या गोल्स आर देयर बट वी आर ट्राइंग टू डील देम फ्रॉम वेरी बॉटम अप्रोच दिस इज़ वेरी यूनिक पी आई ए टूल है इट्स अ स्टैंडर्ड टूल डेवलप्ड बाई वेल्टुगर हेल्प वे ये टूल अपने आप में बहुत इनोवेटिव टूल है इस क्योंकि दो तरीके से करते हैं हम एक पी आई क्वालिटेटिव करते हैं और एक पी आई करते हैं पी आई क्वालिटेटिव दो लेवल पर करते हैं हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करते हैं एक गाँव के स्तर पर करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं वो विलेज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पंद्रह लोग उनको हम यहाँ लाते हैं वो अलग अलग जगह से हैं कोई ग्राम सभा लीडर है तो कोई एस एच की लीडर है तो कोई वहाँ के हेल्थ वर्कर हैं तो कोई एनएम एम हैं तो कोई फिर आपकी आई की वर्कर हैं इस तरह के लोगों को लेके हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए हैं गोल्स हैं जो एम के उसके साथ लोकल इंडिकेटर्स बनाए गए हैं और फिर प्रोजेक्ट रिजल्ट ये तीनों को इंटरलिंक किया जाता है ये फैक्टर से लेकर कि ये आपका हम लोग गोल में कहाँ अचीव किए हैं कर रहे हैं किस तरह का प्रोग्रेस है ये विलेजर्स अपने तरीके से उसको वोटिंग करते हैं वो पूरा प्रोसेस जो है उनकी तरफ से आता है वी ओनली फैसिलिटेट देम हमारा काम है सिर्फ उनको थोड़ा सा इंडिकेट कर देना कि आप ऐसे आगे बढ़ो वो सारा असेसमेंट वो करते हैं फिर यही लोग पंद्रह लोग वापस गाँव में जाते हैं और ये लोग फिर गाँव के स्तर पर क्या करते हैं इसी पी को रिपीट करते हैं लोगों को फिर ये जो समझ के जाते हैं यहाँ से जो चीज़ों को ये रैंकिंग करते हैं फिर वहाँ पे जाके समझने की कोशिश करते हैं कि यही चीज़ें वहाँ पे भी है कि नहीं जैसे वे पंद्रह लोगों का व्यू नहीं हो जाता है फिर वो वो पूरे गांव का व्यू हो जाता है तो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग और जो क्वान्टिटेटिव पे आई ये हैं वो टेन परसेंट फैमिली के साथ जमारे एट सिक्सटी फैमिलीज एट सिक्सटी फाइव फैमिलीज़ हैं उनके टेन परसेंट फैमिली के साथ हम हर साल सर्वे कर रहे हैं सेम क्वेश्चन पर उनके हम को, जो क्वेश्चन सेट हैं वो वो क्वेश्चन हम लोगों ने प्रोजेक्ट में सेटअप किया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग ऑन ऑल क्वेश्चन आर रिलेटेड विथ एम उसको हम लोग बार बार उनसे पूछते हैं हर साल जाकर उसमें उनके इनकम के साथ उनका एडुकेशन उनका फूड हैबिट्स uh, फिर इम्यूनाइजेशन स्टेटस एवरीथिंग सारे क्वेश्चंस उनको हम हर साल पूछ रहे हैं तो उसे भी ऐसेस कर रहे हैं हम लोग तो ये बहुत ओनरशिप बिल्ड करता है कम्युनिटी को कम्युनिटी नोज़ व्हाट इज़ एम व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट एंड दे अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन दअर ओन टर्म नॉट इन द टर्म ऑफ समथिंग वेरी यू you नो know? इसमें चार गांव हैं जो ट्राइबल विलेजेस हैं तो ट्राइबल विलेजेस में काम करना इट वाज वेरी चैलेंजिंग बहुत मुश्किल था काम करना हमारे लिए वहाँ पर वहाँ पे लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहते हैं उनके अंदर बहुत एक स्टवर्डनेस टाइप का था स्टिफनेस था कि हमको बाहर के लोगों से बातचीत नहीं करना है नहीं मिलना है तो जब भी हम लोग प्रोजेक्ट को ले उनके पास गए तो शुरू में वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे तो वी फील्ड की जो वुमेन है वहाँ की दे कैन बी अ वेरी गुड टूल उनको हम यूज़ करके यहाँ पे कुछ चेंजेस लाने का कोशिश कर सकते हैं तो हम लोगों ने ग्रुप फॉर्मेशन करना किया वहाँ पे एस जी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वहाँ पे बनाना शुरू किया तो उसमें भी प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे भी चैलेंजेस थे कि जो महिलाएं थी उनके जो फैमिली से था वो रेस्ट्रिक्शन था वो लोग नहीं चाहते थे कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है भेजते नहीं थे उनको वहाँ पर घर में रेस्ट्रिक्शन था हस्बैंड जो है उनको कभी कभी मारते पीटते भी थे इस तरह की चीज़ें हुई तो जो इम्पैक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा विजिबल हम लोग देखते हैं वो एग्रीकल्चर में हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन महिलाओं को लगा कि हम लोग खेती को बढ़ा सकते हैं ये हमारी ज़मीन है इस पर यदि हम काम करते हैं इसमें फ़सल को बढ़ाते हैं तो ये तो हमें फूड सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए है ही साथ में यदि मेडिशनल करते हैं ज़्यादा करते हैं तो इसको मार्केट में बेच भी सकते हैं ऐसा सोच हम उनके पास लेके गए उनके पास जो कमी थी वो थी इरिगेशन फैसिलिटी की उनके पास ज़मीन था सीड के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती वो नहीं था तो कुछ पैसे उन लोगों ने खुद के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जमाए उसको यूज़ किया कुछ पैसे उन लोगों ने हमारे हम हैं हमको उनको मतलब प्रोजेक्ट के थ्रू उनको हम लोग रिवॉल्विंग फंड की तरह सीड दिए सीड, सीड सपोर्ट की तो ये सब करके जो एग्रीकल्चर पे काफ़ी इम्पेक्ट दिखता है उस गांव में जो ट्राइबल विलेजेस हैं वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 40 टू 50 परसेंट का इंक्रीमेंट है रवि क्रॉप्स में रबी क्रॉप्स वहाँ पे बहुत बड़ा सोशल ऐशूज़ में हम जब जाते हैं प्रोडक्शन फूड इन सब के अलावा भी इनकम के अलावा भी तो यदि हम कुछ अदर इम्पैक्ट देखते हैं तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ये था क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो उनके होते थे महिलाएँ रोड में काम करती हैं आ, कोई ताला बांध बनाने के काम में इंगेज हैं तो कोई दूसरे के खेती में जाके काम करती हैं तो छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेके चली जाती थी तो हमें लगा कि यहाँ पे यदि हम लोग बालवाड़ी चलाते हैं प्री स्कूलिंग चलाते हैं तो सुबह का टाइम जो है बच्चे हमारे साथ रह लेंगे फिर उन एक टाइम को हम लोगों ने इस तरीके से मर्ज किया कि जो हमारा स्कूल ख़त्म हो तो आंगनवाड़ी का समय फिर शुरू हो जाए फिर आंगनवाड़ी ख़त्म हो तो स्कूल मिल जाए उनको ताकि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ अपने मतलब तो उनके काम में ना जाएँ क्या होता है कि बच्चे जब काम में वहाँ पर जाते हैं तो उनके एक माइंड में आता है कि हम भी उस तरीके के मतलब उनका एक प्रो अप्रोच हो जाता है कि मम्मी पापा काम कर रहे हैं तो हम बड़े होकर हम भी शायद इस तरीके के काम करें तो इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए हम लोगों ने एक प्री स्कूलिंग वहाँ पर चलाया तो आज के दिन में बच्चे वहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल जा रहे हैं वो उनका एक रेगुलर स्कूलिंग का जो अप्रोच है वो काफ़ी बड़ा है चेंज हुआ है और भी एक प्रॉब्लम वहाँ पर जो हम लोग देखे वो था जो लड़कियाँ हैं तेरह से लेकर तेरह भी नहीं कहेंगे हम लोग ग्यारह से चौदह साल या पंद्रह साल की लड़कियाँ जो हैं उनको देखें कि वो उनका ड्रॉप आउट्स बहुत है वो मतलब एक स्टेज तक जाती हैं स्कूल उसके बाद वो लोग स्कूल जाना बंद कर देती हैं कि वो थोड़ी एज, उम्र तेरह चौदह मतलब हो गया मतलब वो अच्छा खासा पैसा कैश मनी जो है अर्न कर सकती हैं तो हम लोगों ने वहाँ पे ब्रिज कोर्स भी चलाया वहाँ पे जो रे, रेमेडियल क्लासेस जो होते हैं कि इन लड़कियों को हम पढ़ाएँ फिर से और इनको हम क्या करें स्कूल में जोड़ दें तो इस तरह के एडुकेशन दिए लेकिन ये, ये अभी भी चैलेंजिंग है हमारे लिए क्योंकि एक बार जब कैश मनी उनके हाथ में आ जाता है तो वो फिर वो अप्रोच जो होता है कि स्कूल जाना ये सब नहीं आ पाता है लेकिन प्री स्कूलिंग हो या फिर नॉन फॉर्मल स्कूल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो रेगुलर अभी प्राइमरी स्कूलिंग के लिए तो एकदम रेगुलर रूल स्कूल जा रहे हैं इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं कि सोशल ईशूज़ में आपके एल्कोहल का प्रॉब्लम जो था वो काफ़ी एड्रेस हुआ क्योंकि ग्राम सभा में जो है कुछ रूल्स बनाए गए कि जो आ, ड्रिंक करके आएंगे जो शराब पी के आएंगे उनको फ़ाइन देना पड़ेगा आपस में उन लोगों ने कहा कि मतलब और भी कुछ रिचुअल्स छोड़ दिए चाहे जब शादी है ब्याह है इस तरह के मौके में वो लोग खुले खुला छूट है कि आप पी सकते हैं लेकिन अब किसी पब्लिक मीटिंग में आते हैं उस गांव में चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग हो चाहे वो ग्राम सभा की मीटिंग हो या आपके एडुकेशन कमेटी की मीटिंग हो इस तरह की मीटिंग्स में आप शराब पी के नहीं आ सकते यदि आते हैं तो आपके ऊपर इतना फ़ाइन लगेगा तो ये भी बहुत हम लोग कंट्रोल किए उससे आई एम ट्राइंग एटलीस्ट I don't know why I'm making a difference or not but I'm trying at least